अस्सलाम वालेकुम। जब आप इस्लामाबाद से मुजफ्फराबाद या नीलम की तरफ सफर कर रहे हों तो बेशुमार लोग ये कहते हैं कोई अच्छा पॉइंट नहीं मिलता जहाँ पे हम बैठें, खाना खाएं, कुछ देर सस्ताएं फिर निकल जाएं। मरी में आते हैं जब आप जहाँ पे एक्सप्रेस वे खत्म हो रही है वहाँ पे अगर आप खड़े होकर खाना खाएंगे या कुछ कोई भी चीज़ लेंगे तो यकीन माने वहाँ पे आपका दिल खराब ही होगा, क्योंकि वहाँ पे रश और गंद इतना होता है। ऊपर माल रोड पे भी आप जाते हैं, वहाँ से आपने मुजफ्फराबाद की तरफ जाना होता है तो आपको पॉइंट नहीं मिलता। मैं आपको जगह बता रहा हूँ, ये इससे पीछे गुवाड़ी बाजार है। तकरीबन मरी से नीचे आप मुजफ्फराबाद की तरफ आते हैं तो आधा घंटा ड्राइव करेंगे तो ये आ जाएगा। तो जूँ ही आप गुवाड़ी बाजार से निकलेंगे तो आपके सामने बाजार क्रॉस करने के साथ ही ओल्ड मक्का रेस्टोरेंट आपको नजर आएगा। जो लोग यहाँ पे रुके हुए हैं वो इस बात को मानेंगे, यकीन माने इनका खाना और जायका और बैठने की जगह और साफ सुथरी नहायत ही उम्दा है। यहाँ पे वॉशरूम की सहूलत है, बच्चों के साथ है, फैमिली के साथ है। हम यहाँ पे कुछ देर सस्ताएं, खाना खाएं, नाश्ता करें और फिर अपना सफर मुजफ्फराबाद की तरफ जारी रखें। देखें, घना जंगल है यहाँ पे, आपको ये बंदर मिलेंगे। इसके अलावा खामोशी है, सुकून है, बैठने की बड़ी प्यारी सी जगह है। लश ग्रीनरी है, पहाड़ों पर आपको घर नजर आएंगे। ये पहाड़ों के दरमियान में ये होटल बना हुआ है और साफ सुथरा है। लेकिन जाने मैंने अभी नाश्ता किया, इनको पता नहीं है ना तो ये कोई पेड प्रमोशन है ना इनको मैंने बताया। इतना जायका था, शक्कर वाली चाय है। मतलब आपने पैसे भी देने हैं तो ऐसी जगह पे बैठे जहाँ पे आपको सुकून भी हो, पहाड़ों में आप आ रहे हैं, रश में ना जाएं तो आपको खाना भी अच्छा मिले। इनका फ्रेश फ्रेश खाना, साफ सुथरा, मज़ेदार और लजीज। जो यहाँ पे ग्रुप देखेंगे, यहाँ पे टूर रुक रहे होंगे, बहुत बार गाड़ियाँ यहाँ पे रुक रही होती हैं, सुबह का टाइम है, कब से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। जब भी आप मुजफ्फराबाद नीलम की तरफ सफर कर रहे हों तो जगह मैंने बताई है, मरी से निकल करके नीचे की तरफ फगवाड़ी आती है जगह, जो एक्सप्रेस वे रोड आ रही है उस रोड पर ये होटल आएगा। जो लोग यहाँ पे रुके हुए वो इस बात को तस्लीम करेंगे, बहुत मज़े की जगह और जायका बड़ा खाने का। जरूर ट्राई कीजिएगा, मुझे दुआएं देंगे आप। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।